1947 से अब तक की अगर बात की जाए तो देश को 78 वर्ष हो चुके हैं आज़ाद हुए, लेकिन आज़ादी के बावजूद भी कई ऐसे जगह पर हैं जहां पर आज भी लोग झंडा नहीं फहराते। यानी कि सरकारी दफ्तरों में तो होता है लेकिन कुछ जगहों पर नहीं होता। कुछ जगहों पर बिजली की समस्या, कुछ जगहों पर आज भी लगातार वजह बनी हुई है रोड की समस्या, कुछ जगहों पर आज भी मकान नहीं बनाए जा रहे, कच्चे मकानों में तब्दील जो लोग हैं वो लगातार उसमें रह रहे हैं। आज भी देश में आज़ादी का जश्न उन्हें पता ही नहीं है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हम सिर्फ झंडा फहराने में लगे हुए हैं क्योंकि देश हमारा आज़ाद है। वाकई में देश तो आज़ाद है लेकिन जनता देश की आज भी आज़ाद नहीं है। स्वतंत्रता हमारे मन की नहीं है, स्वतंत्रता हमारे तन की नहीं है, स्वतंत्रता हमारे किसी भी विचार का नहीं है। हम किसी भी विचार को साझा अगर करते हैं तो उसमें भी कोई ना कोई आपत्ति जरूर होती है। क्या आपत्ति होती है ये सबको पता है। कहीं ना कहीं हम भेदभाव और एक जातिवाद धर्मवाद की एक जिंदगी जी रहे हैं यहाँ पर, जबकि पूरा भारत एक साथ रहने की अगर बात आती है, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म एक साथ मिलकर भाई भाई बनके रहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ राजनीति की रोटी सेकने को लेकर के अगर बात की जाए तो एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि देश आज़ाद है लेकिन देश के नागरिक आज भी आज़ाद नहीं है। नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज और खास खबर के साथ हाजिर हूं। लेकिन उससे पहले स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं तरंग 24 न्यूज टीम की तरफ से। हर घर में झंडा फहराने का एक योजना लाया गया, वो भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो उनके द्वारा ये चीजें कही गई कि हर घर तिरंगा लहराना चाहिए। उसमें लगभग देश भर में तिरंगा तो लहरा रहा है, लेकिन एक सम्मान की बात यह है कि आज आपको तिरंगे को निकाल भी देना है। रात को तिरंगा निकाल कर घर में सही जगह पर रखिए, वरना तिरंगे का अपमान। रात भर अगर तिरंगा लगा रहा, साथ ही साथ ये देखा जा सकता है कि आप लगाना चाहें तो कल भी लगा सकते हैं, ऐसा ना हो कि आपके पैरों तले नालियों में बहता हुआ पानी में बहता हुआ देखा जाए। तो मेरा संदेश ये आप सभी को है कि आप तिरंगे का अपमान न करें, उसे सुरक्षित रखें, सम्मान करें, और उस सम्मान के तहत उसे आप रात को नहीं बल्कि उसे फोल्ड करके अच्छी तरीके से सतर्क रूप से सुरक्षित जगह पर रखें, ताकि उसे फाड़ा ना जा सके, कहीं फेंका ना जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तरंग 24 न्यूज पर, मैं रवि कुमार आपके साथ। और इस वक्त आप देख रहे हैं बड़ी खबर सतना से, जहां आपको लेकर के चले बताते चले कि आज आपको सतना जिले के नागौ क्षेत्र के से नई एक बड़ी दुखद घटना सामने आ रही है, जहां आपको परिचित करवाएंगे। बताता चलो कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने जा रहे बच्चों की बस पलट गई है। इस हादसे में 24 बच्चे घायल हो गए हैं। आइए जानते हैं घटना की विस्तृत जानकारी। सतना जिले के नागौद के परसमनिया पठार में आज सुबह एक स्कूल बस पलट गई, जिसमें 24 बच्चे घायल हो गए। इस हादसे में 2 बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं। यह हादसा नागौद के रहीगवारा स्थित बाल ज्ञान मंदिर आदर्शी स्कूल की बस के साथ ये घटना घटी है। जो आपको बता दें कि सुबह करीब 9 बजे जब बच्चे अपने स्कूल में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने जा रहे थे, तब बस गुलौहा गांव के पास गुढ़ा चुनहाई पुलिया से गुजर रही थी, तभी अचानक बारिश के चलते सड़क पर फिसलन हो गई और अचानक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस के पलटते ही बच्चों में चीख पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीणों ने जब बच्चों की आवाज सुनी तो तुरंत मौके पर पहुंचकर बस के अंदर फंसे बच्चों को बाहर निकाला। ग्रामीणों की तत्परता के कारण बच्चों को समय से जो है निकाल लिया गया, जो कि लोगों की मदद मिल सकी। अब बात करते हैं बच्चों को लगी चोटों की, तो हादसे में एक बच्चे के चेहरे पर गंभीर चोट आई है, जबकि एक अन्य बच्चे के कंधे में फ्रैक्चर होने की आशंका है। बाकी बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। घायल बच्चों को तत्काल नागौद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से ले जाया गया, जहां आपको बता दें कि जहां बच्चों का इलाज अभी भी चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही जो कि जसो थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसके साथ ही नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, SDM AP द्विवेदी और नागौद थाना प्रभारी भी अस्पताल पहुंचे, जो घायल बच्चों की हालचाल ली। बच्चों को तसल्ली देने के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष उन्हें लड्डू और समोसे भी खिलाए। अधिकारियों ने हादसे की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच के लिए भी निर्देश दिया है। अब प्रशासन इस बात की जांच कर रही है कि क्या बस की स्थिति सही थी
या हादसे की जो वजह है वो कोई लापरवाही देखी गई है। इस हादसे में एक बार फिर से बसों की सुरक्षा और उनके मेंटेनेंस पर सवाल उठाने पर लगे हुए हैं। ये जो बेहद जरूरी है कि बच्चों को सुरक्षित परिवहन सुविधा मिल सके ताकि ऐसे हादसे ना हो। इस खबर के बारे में अगर आपको लगता है कि कोई अधूरी जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।